मूंग, धान, सरसों, गेहूं, मक्की, मूंगफली, सोयाबीन, काले चने, डॉलर चने, बाजरा, सभी प्रकार। कोई भी किसान भाई आपकी ये वीडियो देखकर जी वीडियो का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजता है जी 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 तो उसको इंस्टेंट मतलब कि तुरंत उसको 10,000 रुपए का डिस्काउंट। नमस्कार दोस्तों भाइयों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों अवतार कंपनी का मल्टी क्रॉप थ्रेसर है दोस्तों। और भाई इसके बारे में आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं, जो इसके ओनर है उनसे मिलवाते हैं दोस्तों। भाई युवा भी है भाई, एक से एक नए कारनामे करते रहते हैं, तो आइए आपसे इनका इंट्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं। नमस्कार राहुल भैया जी, तो अपना पहले तो एक बार जी अपना परिचय दो। राहुल भैया मेरा नाम है सुखदीप सिंह और हमारी कंपनी का नाम है अवतार सिंह एंड सन्स। जी जी जी। अच्छा तो आपने ये मशीन लॉन्च की है जी? अच्छा तो इससे पहले आपकी वो मशीन आती थी ना थ्रेसर वाली? जी सर वो वीट थ्रेशर आता था सर। अच्छा अच्छा वो आता है जिसको हम, हाँ जी वीट थ्रेशर आता है जिसको हम हड़म्बा बोलते हैं। हड़म्बा बोलते हैं हाँ जी, सिंपल भाषा में जी, जी। आता है अभी? जी अभी भी बनाते हैं हम वो। अच्छा हाँ जी। और ये मशीन जैसा काफी बड़ी है जी, मैं इसका साइज देख रहा हूँ काफी बड़ी है, इसमें क्या खास बात है जो आपने इतनी बड़ी मशीन बनाई है? क्या क्या चीज निकाल सकती है, कौन कौन सी फसल में यूज होती है ये? राहुल भैया मैं इसकी आपको खासियत बताऊं, ये हमारा जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जी, ये मार्केट में हमने नया लॉन्च किया है जी, जो कि साइड टोकरी के साथ आता है। अच्छा इसमें हमने साइड टोकरी लगाई है। अच्छा जिसकी मदद से किसान भाइयों को जो फसल निकालने में है वो आसानी होती है जी जी। तो सुखदीप भाई जैसा आपकी ये बड़ी चौड़ी धोड़ी मशीन है, हाँ जी, तो इसकी आप चार खूबी बता सकते हो जो मतलब और मशीन है उससे अलग बनाती है इसको? राहुल भैया आप चार खूबियों की बात कर रहे हो, मैं तो इसकी 400 खूबियां बता सकता हूं आपको। अच्छा जी। पर आज की इस वीडियो में जी लंबी ना चली जाए, हाँ जी, तो हाँ जी। आज मैं आपको इसकी मोटी मोटी खूबियां बताने जा रहा हूं। हाँ जी हाँ जी। पहली खूबी गिनवाओ क्या है? राहुल भैया मैं आपको इसकी पहली खूबी बताऊं तो इसकी टोकरी जो है जी जी, हमने जो जापान की टेक्नोलॉजी है इसमें टोकरी में यूज की है। अच्छा अच्छा जी, यानी जापान की टेक्नोलॉजी बेस्ड है इस मशीन में? हाँ जी। अच्छा इसका जो वर्किंग है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये ऑगर है जी, जो जो इसकी रॉड है, हाँ जी हाँ जी, ये अंदर बाहर होती है। हाँ जी हाँ जी, जैसे हम देख पा रहे जब ये घूमती है तो ये बाहर आ जाती है जी। अच्छा इससे फायदा क्या होता है सर? इसका फायदा राहुल भैया ये है किसानों भाइयों को कि जो वो फसल डालते हैं इस टोकरी में जी जी जी, कई बार क्या होता है हम जो पहले जो अदर कंपनी की मशीनें हैं, हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ पर चूहा लगाते हैं जिसको हम पत्ती भी बोल देते हैं, हाँ जी हाँ जी, जो अंदर बाहर नहीं होती, जो रिपर वगैरह कंबाइनों वगैरह में आती है, रिपर या कंबाइन में लगाते हैं, हाँ जी, उसका नुकसान ये है कि वो अगर किसान भाई फसल डालते हैं तो वो वापस घूम के बाहर आ जाती है, वापस जो फसल है घूम के बाहर आ जाती है, जिसका कोई फायदा किसान भाई को नहीं है। चलो खैर ये तो होगी एक खास बात जी। अच्छा अब दूसरी खास बात गिनवाओ इसकी क्या है? और इसकी दूसरी खास बात ये है राहुल भैया कि इसमें हमने दो डबल व्हील लगाए हैं, एक आगे व्हील है और एक पीछे व्हील है। अच्छा अच्छा, यानी कि एक आगे है इसमें और एक पीछे है जी, दो व्हील लगाई गई है। अच्छा सुखदीप भाई जैसा आपने डबल व्हील लगा तो दिए जी, इनका फायदा क्या होता है किसान को? राहुल भैया ऐसा है कि जब हम इस थ्रेशर में डबल व्हील लगाएंगे ना तो जो किसान भाई है वो छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर भी ये थ्रेशर आराम से चला सकते हैं। अच्छा आप बोल रहे कि ये 35 HP पे चल जाता है 35 HP की ट्रैक्टर पर, क्योंकि भारी भरकम मशीन है जी। अच्छा आपको इसका वेट पता है कितना है? राहुल भैया इसका वेट जो है वो लगभग 17 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल तक है। अच्छा 17 क्विंटल से 20 क्विंटल का जी जी। और दोस्तों मैं बता दूं भाई, जैसे भाई कह रहे हैं कि 35 HP पे चला सकते हैं इसको, 35 HP जो ट्रैक्टर है उसका जो वजन होता है 17 से 18 क्विंटल होता है जी, ठीक है, तो वो 35 HP का ट्रैक्टर इसको खींच सकता है बहुत आसानी से? जरूर सर। नहीं 35 HP पे क्या होता है, देखो छोटे ट्रैक्टर दब जाते हैं, आप इस चीज की गारंटी ले सकते हो? राहुल भैया मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा जी, अगर ना चला तो मशीन फ्री में दूंगा। देख लो आप क्या कह रहे हो, वीडियो में कह रहे हो आप जी जी, ठीक है फ्री में दूंगा किसान भाइयों को अगर ना चला, अगर ना चली 35 HP के ट्रैक्टर पर जी जी, तो मशीन फ्री देनी पड़ सकती है आपको जी, जरूर देंगे सर, ठीक है जवान की है। अच्छा हाँ जी। तो दोस्तों भाई भाई कह रहे हैं कि 35 HP के ट्रैक्टर पर भी हम इसको आसानी से चला सकते हैं, और भाई ये देख लो भाई इधर से फसल डाल लो और इसमें कोई झंझट भी नहीं है किसान को, मतलब आसानी के साथ इधर से निकल जाती है फसल। अच्छा जी, जो इसमें वेस्टेज होती है कई मशीनों में क्या होता है कि जैसा इतनी बड़ी मशीन है आजकल आपको पता है देखो मजदूरी वगैरह, मजदूर वगैरह मतलब टाइम से मिल नहीं पाते, हाँ जी। अगर आदमी कम होते हैं तो फसल इसमें थोड़ी डाल पाते हैं जी, ठीक है,
जो मतलब अपनी फसल है जिस चीज की हमने निकालनी है, उड़द मूंग दाल जो भी निकालनी है जी, तो इसमें जैसा डाल दी थोड़ी थोड़ी लगाने के कारण कुछ मशीन क्या होती है, वेस्टेज जो बाहर निकलती है उधर, उसके साथ साथ अपना जो फसल होती है दाना होता है वो भी उधर बगा देती नहीं, है। नहीं सर, ये जो हमारा थ्रेशर है जी मल्टी क्रॉप, अच्छा इसमें कोई भी दाना, एक भी दाना जो है वो वेस्टेज वाली साइड बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। अच्छा जी। हाँ जी, कई किसान भाइयों के हमने रिव्यू भी देखे हैं, अच्छा, और लाइव डेमो भी उनको दिखाए हैं। अच्छा अच्छा, एक भी दाना वेस्टेज में नहीं आता। अच्छा जी। सुखदीप भाई एक चीज और बताओ, जैसे आपने मशीन बनाई है जी, ठीक है, अब जो दाल की फसल बता रहे हो, दाल की फसल के लिए मल्टी क्रॉप बता रहे हो आप, जी जी, जो फसल है डाला, हाँ जी, तो क्या होता है कई बार उसके जो प्रॉपर उसको मिल नहीं पाता, जो हम डाल रहे हैं उसको प्रॉपर पूरा नहीं मिल पाता जी, जी। तो दो कमी आती है, एक तो राहुल भाई ने बताया कि दाने इसके भूसे में चले जाते हैं जी। दूसरी कमी क्या आती है कि दाने काटने लगती है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है किसान के लिए जी। तो उस चीज की गारंटी लोगे आप? जी सर जरूर लेंगे। दाना तो नहीं काटेगी? दाना नहीं टूटेगा। अच्छा। सर इसमें सिस्टम हमने ऐसा लगाया है कि ये जो थ्रेशर है ना जी, इसमें हमने रॉड लगाए हैं। अच्छा। रॉड का जो है हम उसकी हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर तो किसान भाइयों का दाना टूटता उनको नजर आता है, उसको एडजस्ट करके जो फसल का दाना टूटने से बचा सकता है। अच्छा अच्छा। नहीं देखो, अगर दाना टूट गया तो देखो किसान की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती जी, जी। ठीक है, वो मंडी में भी उसका बिकता नहीं जी। ठीक है, देखिए उसको पशुओं वगैरह को ही खिलाना पड़ता है। देखिए राहुल भैया, किसान ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसान ही है जो अन्नदाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उनकी जरूरतों को देखते हुए अच्छा। हमने ये थ्रेशर मार्केट में उनके लिए लेकर आए हैं। अच्छा जी। नहीं सुखदीप भाई, मैं देखो सच्चाई बताऊंगा आपको जी, क्योंकि जब दाना टूटता है ना जी, किसान को तो नुकसान है ही है जी, खासतौर से जो इसको किराए पे यानी भाड़े पे चलाता है ना, उसको अलग से गालियां पड़ती हैं जी, वो तो बात है, उनको तो गालियां पड़ेंगी। हाँ तो एक चीज और बताएं आप, जैसे जी अभी मैं आपकी जो ये मशीन है मैं पढ़ रहा हूँ कि अवतार पैडी थ्रेशर आपने लिखा हुआ है जी, जी। तो धान का काम भी करती है क्या ये? सर मेन धान के लिए है और बाकी फसलें भी निकाल सकती है। अच्छा, धान धान तो निकालेगी और साथ ही साथ और अन्य प्रकार की फसलें, मूंग धान सरसों गेहूं मक्की मूंगफली सोयाबीन काले चने डॉलर चने बाजरा सभी प्रकार की दालें ये जो हमारा थ्रेशर है निकालेगा। तो उसके और लिए क्या करना पड़ता है उसके लिए जो किसान भाइयों को है वो हम सभी प्रकार की जाली उनको देंगे, वो यहाँ से जाली आसान तरीके से अच्छा, अच्छा, निकाल अच्छा, कर वो जो भी जाली उन्होंने लगानी है अच्छा, ये नहीं भी फसल के लिए लगानी है मशीन के साथ ही जाली दोगे? मशीन के साथ ही देंगे। अच्छा। जो पहले जो किसान क्या करते थे वो धान के लिए अलग मशीन लेते थे, मक्की के लिए अलग लेते थे, गेहूं के लिए अलग लेते थे और कई प्रकार की दाल निकालने के लिए वो अलग अलग मशीन लेने अलग अलग मशीन लेते थे। ये ऑल इन वन मशीन है, ये ऑल इन वन मल्टी क्रॉप मशीन है जी जी जी। इसकी मदद से किसान भाई सारी प्रकार की फसलें निकाल सकते हैं, चाहे वो गीली फसल है अच्छा, चाहे वो सूखी फसल है। अच्छा, गीली भी निकाल सकते? गीली भी निकाल सकती है। अच्छा सुखदीप भाई, आपने जैसा मैंने देखा उधरली साइड दूसरी साइड मशीन पे आपने रॉकेट मॉडल लिख रखा है, तो ये रॉकेट मॉडल है क्या? इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में बताइए, रॉकेट मॉडल में ऐसा क्या है, इसमें कौन सा रॉकेट लगा दिया आपने इसमें? रॉकेट मॉडल लिखने से कुछ नहीं होता जी, इसमें हमने काम भी किया है रॉकेट मॉडल वाला। अच्छा अच्छा। ऐसे कि जो किसान भाई चाहते हैं जो उनकी वेस्टेज मटेरियल है जैसे कि पराली और मक्की का वेस्ट मटेरियल है, देखो फसल कोई सी भी हो वेस्टेज सबका होता है जी जी। हाँ, वो किसान भाई चाहते हैं कि वो उसकी फसल जो दूर जाकर गिरे, हाँ जी, जो अपने ट्रैक्टर के ऊपर जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्रैक्टर पर ना गिरे, दूर जाकर गिरे। हाँ जी हाँ जी, तो हमने इसमें ये देखिए ये पंजा लगाया है, पंजा वाली पत्ती। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका क्या बेनिफिट है सर? इसका बेनिफिट किसान भाइयों को ये है राहुल भैया कि ये जो पराली और मक्की का वेस्ट मटेरियल है ये 45 से 50 फीट दूर फेंकता है। 45 से 50 फीट? जी जी, 45 से 50 फीट दूर फेंकता है, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। अच्छा जी जी। तो भाई इस चीज की भी भाई ये पंजे का बेनिफिट ये है। अच्छा अच्छा जी। अगर किसान भाई चाहते हैं कि उनका वेस्ट मटेरियल नजदीक ही गिरे, हाँ जी, तो हमने यहाँ पर देखिए ये थ्री स्टेप पुली लगाई है, थ्री स्टेप जो पुली हमने यहाँ पर दी है जिसकी मदद से जो किसान भाई है जी जी वो जी, स्पीड जी। जो पंखे की इस वाली पंखे की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा देखिए अच्छा, अच्छा। हमने यहाँ पर अच्छा यहाँ पे आपने होल दिया है इस चीज के लिए, यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट के लिए होल दिए है। अच्छा अच्छा, इसको ऊपर कर या नीचे करके वो अपने पंखे की जो स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे देख लो भूस हो गया, जो गेहूं का भूस है
वो इतना महंगा हो गया क्योंकि उसको उड़ने नहीं देते। अब उसको किसान क्या चाहता है भाई, कई बार तो हवा में मिल, सुनो तो मेरी बात। अब मेरे पास 2-4 बीघा है, यानी कि 1 एकड़ या मतलब एक एकड़ से कम है मेरे पास, तो ये 50 फीट दूर भगाएगी तो वो तो सारा ही उड़ जाएगा दूसरे के खेत में चला जाएगा। तो इस चीज को भी खैर ध्यान में रखते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। जैसी फसल निकालनी हो दोस्तों भाई, उसी हिसाब से हम इसकी बेल्ट इधर से उधर कर सकते हैं। ये 2-3 स्टेप दे दिए गए हैं इसमें भाइयों, इसके अंदर भी है, इसके इधर ली साइड। हाँ हाँ हाँ, ये एडजस्टमेंट है इसमें दोस्तों, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं भाई, कितनी दूर हमको चाहिए। भाई बड़ा खेत है तो उसके लिए हमको दूर चाहिए होता है, अगर छोटा खेत है तो हमको नजदीक चाहिए होता है। अच्छा तो सर अब बात आती है मेन मुद्दे पर जी, जो मतलब चलो मशीन तो आपने बना दी, मशीन नो डाउट आपकी बहुत अच्छी है, आप गारंटी भी लेते हो इस चीज की, 35 HP पे चला भी देते हो इसको जी सर। अब किसान इसको खरीदेगा कैसे, मेन बात वो बताओ आप, इसकी गारंटी क्या रहने वाली है? इसकी 1 साल की गारंटी होगी किसान भाई को दी जाएगी। 1 साल की गारंटी? जी 1 साल की दी जाएगी। अच्छा, यानी कुछ भी टूट फूट होती है जी, जी। भाई देखो पहले तो बात होना, अब देखो हम तो यही कहते हैं भाई, कोई फार्मर लेके जाता है इसमें फुल सर्विस किसान भाइयों को खेत तक सर्विस दी जाएगी। अच्छा, एक साल की फील्ड में सर्विस मिलेगी, फील्ड में सर्विस मिलेगी दोस्तों। जो भी कमी आ जाती है भाई तबाक से, जो भी कुछ भी भाई है तो मशीन ही। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी किसान भाई मशीन हमारी खरीदना चाहता है, हाँ जी, तो आप अपने जो नजदीकी डीलर है, हाँ हमारा डीलर जी, आप उनसे अवतार वाली मशीन बोलकर आप ले सकते हो। अच्छा अच्छा जी, कोई भी भारत के कोई भी स्टेट है, अच्छा, अच्छा उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जी, जी। अगर कोई भी किसान भाई हमारी ये मशीन खरीदना चाहता है, यानी कि मल्टी क्रॉप साइड टोकरी वाला थ्रेशर खरीदना चाहता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो हमारे नंबर पर कॉल करके अच्छा हमें ये मशीन, हमारी ये मशीन जो है वो खरीद सकता है। अच्छा दोस्तों, नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिलेंगे जी, और भाई डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा जी। ऑल ओवर जो डिलीवरी होगी, ऑल ओवर इंडिया हम इसकी डिलीवरी देते हैं। अच्छा 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 जी, तो डिलीवरी का चार्ज होगा? हाँ जी, वो अलग से चार्ज है जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ डिलीवरी का चार्ज वो तो ऐसे है कि अगर कोई साउथ में है, नॉर्थ में है जी, कोई भी किसान भाई, हाँ जी, तो उसी हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं, वो बता देते हैं। अवेलेबल हर मतलब आप इसको वहीं पे भिजवा दोगे, चाहे भारत के किसी भी कोने में फार्मर, भारत के किसी भी कोने में हम ये आपको मशीन भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, यानी कि ऑल इंडिया की डिलीवरी है दोस्तों जी, जी। ठीक है, आप किसी भी कोने से बात कर रहे हैं इंडिया के जी, तो आपको ये मशीन वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी अगर आप लेना चाहते हो इसको। अगर नहीं आपको मतलब वीडियो में कोई तसल्ली नहीं होती है किसान की, तो वो भाई इनकी फैक्ट्री में आके विजिट कर सकते हैं। अपनी फैक्ट्री का एक बार नाम और बता दो जी, कहाँ पे है? हमारी फैक्ट्री का नाम है अवतार सिंह एंड सन्स, अहमदगढ़ पंजाब। अच्छा। नियर रेलवे क्रॉसिंग बस स्टैंड रोड अहमदगढ़ जी। जी आप इसका प्राइस क्या देने वाले हो? इसका राहुल भैया किसान भाइयों को प्राइस जो है इसका पड़ेगा 3,10,000 रूपए। 3,10,000 रूपए जी जी, क्योंकि अच्छा, ये मल्टी क्रॉप मशीन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ऑल इन वन है, उन किसान भाइयों को कोई भी अलग अलग से मशीन लेनी नहीं पड़ेगी, हाँ जैसे हाँ धान के लिए, गेहूं के लिए। हाँ जी हाँ जी जी, तो दोस्तों जो मशीन की प्राइस बताई भाई, आप इनसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। अच्छा सुखदीप जी एक बात और बताओ, जैसे दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं जी, अगर कोई हमारी वीडियो देख कर है आपके पास जी, तो उसको आप क्या डिस्काउंट दोगे? राहुल भैया आप इतनी दूर से हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए आए हो जी जी, और मैं किसान भाइयों को डिस्काउंट ना दूं जी, जी तो ये कैसे हो सकता है? हाँ जी हाँ जी, वही तो कह रहे हैं हम, तो जी, आप डिस्काउंट क्या दोगे? अगर कोई भी किसान भाई आपकी ये वीडियो देखकर जी, वीडियो का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजता है जी जी जी, तो उसको इंस्टेंट मतलब कि तुरंत उसको 10,000 रूपए का डिस्काउंट अच्छा, आपकी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा जी, अगर कोई स्क्रीनशॉट भेजेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जी जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7888742935 जी जी जी, तो भाई ने नंबर भी बता दिया दोस्तों, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो भाई बताना आपको ये मशीन कैसी लगी कैसी नहीं लगी दोस्तों, जो भी बात है आप अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों भाई यही था वीडियो, अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद।